अरे क्या बात है भाई, अपनी बहन का काम बहुत भारी है भाई, अपनी बहन का काम बहुत भारी है भाई। कैसा रोल क्या क्या अच्छी है। अच्छा मूवी था, बहुत इंजॉयमेंट हुआ। सबसे अच्छा स्टोरी मुझे दाऊद इब्राहिम का लगा। जिन्होंने का जन्मदिन 26 दिसंबर है, मेरा भी 26 दिसंबर है। अरे यार देखा अभी पता है। हाँ बस बस, वेरी डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, द बेस्ट बेस्ट भाई। अच्छे थे, अच्छा एकदम कड़क रोल है। हाँ आपा नाम बोल देना, आपा गाना ठीक था, इतना अच्छा नहीं गाना, पर मूवी इज ओके। हाँ 4.2 अच्छी थी मूवी, अच्छा रोल था, अच्छा एक्टिंग किया था उसने। आपा की भी अच्छी एक्टिंग, नहीं ऐसा तो बोल नहीं सकता अभी। क्या गाना तो चालू था पर समझ में नहीं, गाना अच्छा था, बीच में कुछ तो चल रहा था गाना। थैंक यू, डायलॉग अभी कौन सा याद नहीं आ रहा बोलने के लिए। कौन सा? हाँ मुंबई में भाई तो बहुत है, आपा तो एक ही है, ऐसा कुछ तो था। ठीक है थैंक यू। बहुत अच्छी पिक्चर है, श्रद्धा कपूर का क्या काम दिखाया है, एकदम एक नंबर काम दिखाया है। हसीना पारकर का काम बहुत अच्छा है, बहुत इतना नहीं कोई। अरे सर रुको ना, वो जो पान मुंह में रखते उसके बारे में क्या? हाँ बहुत अच्छी दिखती है वो। कौन से सीन में सर? कुर्सी पे बैठती तो एक नंबर की सीन लगती है। पिक्चर सुपर हिट है, श्रद्धा कपूर का परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ श्रद्धा कपूर टिल डेट। पिक्चर में श्रद्धा कपूर की डायलॉग डिलीवरी है, कॉमेडी कुछ भी आप ऐसा बोलो, एक्शन सीन थोड़ा वो जो लाफा मारती है, क्या फुल मजा आता है। पब्लिक सीटियाँ बजाती, तालियाँ बजाती, फुल मजा आते। अपूर लखिया का डायरेक्शन रियली गुड, बहुत मजा आया। शूट आउट वडाला में जो फिल्म बनी थी ये भी उसके बराबरी कैसा कह सकते हैं फिल्म है। और जो दाऊद का जो रोल के ऐसा वो भी बहुत अच्छा है। और ओवरऑल देखें तो गाने थोड़े मतलब ना अच्छा लगा नहीं, इन गाने नहीं थे फिल्म में इतने अच्छे, लेकिन कॉमेडी जो श्रद्धा कपूर उनके जो हस्बैंड है दोनों के एक दूसरे जो कॉमेडी थी वो बहुत मजा आया, फुल और बहुत अच्छी कॉमेडी थी। बीच बीच में थोड़ा बहुत कॉमेडी आ जाता है, वो बहुत मजा आया पब्लिक को। डायलॉग है श्रद्धा कपूर के, एक एक डायलॉग क्या डायलॉग है। वो बोलती है कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानती, लेकिन तुझे मुझे इस बात का अफसोस है कि तू मुझे नहीं जानती। और फिर वो बोलती है कि अभी तू घर घर जाके सबको पानी देने, क्या डायलॉग है। फिर और एक डायलॉग है, एक आदमी रहता है उससे हफ्ता, वो एक बंदे वैसा बोलता है कि नहीं मैं तेरा ये मतलब जो बिल है बिल नहीं दूंगा। तो उस आके दो चार लाफा मारते और बोलती है अपने दुकान का बिल दे दे वरना अब तेरा अस्पताल का बिल बच जाएगा, क्या डायलॉग है। पब्लिक फुल मतलब सीटी पे सीटी। और एक सीन है जब वो आपा बन जाते ऐसा पैर ऊपर रखते जो ट्रेलर में इतना आवाज़ हुआ थिएटर में, ऐसा लगता है कि हाँ वो लोगों ने इज्जत दी, मैंने कबूल किया, क्या डायलॉग है। मतलब फुल देखने जैसे सलमान खान की फिल्म में ऐसा आवाज़ होता है, ऐसा आवाज़ हुआ वो फिल्म, क्या मतलब फुल भारी डायलॉग डिलीवरी। देखो अभी दाऊद का रोल अभी देखने में बहुत लोग ने किया, अभी पहले फिल्म आई डैडी वो फरहान अख्तर ने रोल किया, अभी इन्होंने तो ऐसा मतलब अभी उन्होंने इतना प्रिडिक्टेबल नहीं रह सकते किसका अच्छा है किसका बुरा है। अभी हम लोगों को तो एक बेस्ट सबसे लगा है इमरान हाशमी का, वो उसमें क्या वो सबसे बेस्ट है, अब बाकी सब ठीक ठाक है अभी जैसे। हाँ ऐसा थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन देखो यार अभी एक्टर टू एक्टर डिपेंड करता है वो अंदर की बात है, लेकिन जैसे लोगों को दिखता है जैसे डायरेक्शन है बहुत अच्छा डायरेक्शन, लोगों को बहुत मजा आएगा ओवरऑल। आउट ऑफ फाइव श्रद्धा के लिए, 5 out of 5 और पिक्चर के लिए 4 out of 5। फैंस का मैं सबको रिकमेंड करूँगा एक बार जाके देखो, दिस इज श्रद्धा बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। वेलकम, सुपर मूवी थी, एकदम बढ़िया, एकदम फाइन। डायलॉग दुनिया मुंबई का डॉन तो बहुत सारे होंगे मगर आपा एक ही, गाना एक था बहुत अच्छा था, स्टोरी भी फाइन, रियल स्टोरी थी तो बहुत अच्छे थे। सिद्धांत कपूर, हाँ
आउट ऑफ फाइव 3 स्टार. इट इज गुड, ब्यूटीफुल. श्रद्धा कपूर का रोल कैसा लगा? वंडरफुल एक्टिंग. कोई डायलॉग याद है पिक्चर के? ज्यादा कुछ ये नहीं. कोई तो है एकदम, मतलब उसका एक्टिंग जो कोर्ट का बेस्ट था. और दादी का रोल कैसा लगा? गुड. आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? 5 तो 5 ही देंगे. It suited the role. The role suited her well, and overall she did a wonderful acting. Hats off to her. Yeah. Picture अच्छी है. हसीना पारकर मुझे लगता है हालात का शिकार है. Actually she is not a bad lady. मुझे तो लगता है गलत औरत नहीं थी. But कोई चीज़ परिवार वाला करता है उसके ऊपर नाम डालते हैं तो वो अभी उसके कर्म है. Also picture बहुत अच्छी है, documentary और बहुत पसंद आया मुझे. पिक्चर का डायलॉग हाँ मुंबई में डॉन तो बहुत है यार, कुछ आपा से फेंकी है. हाँ मुंबई में ऐसे डॉन तो बहुत है पर आपा से फेंकी है. बहुत अच्छा पिक्चर है, पसंद आया मुझे. गाने में ध्यान नहीं था मेरा, तो स्टोरी में ही ध्यान था. मैं स्टोरी देख रहा हूँ. एकदम मस्त ऑटोबायोग्राफी है और ये बहुत अच्छा चलेगा. ये इनफैक्ट जितने भी वो कितने भी अंडरवर्ल्ड के पिक्चर्स बने मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे. इवन डैडी डैडी से भी अच्छा लगा मुझे. एकदम सूटेबल है, एकदम सूटेबल. ज़्यादा उसका नहीं दिखाया, मेन तो उसकी बहन का ही है. ठीक है हाँ जरूर जरूर, मैं तो रिकमेंड भी करूँगा देखने को. देखे कि सच्चाई लोगों को मालूम पड़े कि अंडरवर्ल्ड डॉन कोई हालात का शिकार बनता है. हर एक इंसान गलत नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर एक भगवान होता है. खाली तमंचा उतर के उठा के कोई डॉन नहीं बन जाता. एक अभी टेलीकास्ट हो मेरे बारे में. पिक्चर तो बहुत अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, जो बताया है जो समझेगा वही. भाई तो बहुत बने, आपा पहली बार कोई बने. पिक्चर है, गाने अच्छी कहानी है. दाऊद का जो दाऊद का रोल है, आपको लगता है कि जो श्रद्धा कपूर के भाई ने किया जस्टिफाई किया? कम. और आपको लगता है कि डैडी और उसमें क्या डिफरेंस है? डैडी तो वो तो अलग स्टोरी है और ये अलग स्टोरी है. आउट ऑफ 5 कितना है? आउट ऑफ 5 स्टार 4. लोकस देखने आओगे सर? जी जी जरूर. पब्लिक को क्या रिकमेंड करोगे? स्टोरी पिक्चर है, फैमिली पिक्चर, ड्रामा पिक्चर है. श्रद्धा के ऊपर रोल शूट हुआ है कि नहीं आपा? अच्छा लगा थोड़ा. वो आपा अलग थी, आपा अलग. आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 4.